सलाम अलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो आत्मा का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम जा रहे हैं चश्मा बैराज, जो काफ़ी फेमस प्लेस है। एंड गाइस ये मिली है मेरे नाना अबू से, जिनको मैं प्यार से बोलता हूँ बाबा। और ये मेरे बाबा देखिए कितना प्यार तैयार हो चुके हैं। तो गाइस अब हम सब गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, मेरे बाबा भी बैठ चुके हैं, तो अब हम फुल रेडी हैं। एंड चलो चलें, अब हम चश्मा बैराज की तरफ चलते हैं। गाइस यहाँ से चश्मा बैराज काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो मतलब तकरीबन 4 आवर्स दूर है गाइस। तो गाइस अभी हम बाबा डेरा के डोर से निकल रहे हैं। अब काफ़ी करीब आ चुके हैं और यहाँ पे रिवर भी है, मतलब पता चल गया कि अब थोड़ा करीब आ चुके हैं गाइस। अब सिर्फ 1 आवर दूर है बस गाइस। ये काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स में नज़र आ रहे हैं, माउंटेनस रीजन से। बस इस ब्रिज को क्रॉस करके हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। सो फाइनली गाइस वी आर हेयर, वेलकम टू चश्मा बैराज। गाइस इस जगह का खूबसूरती का लेवल ही अलग है। गाइस पानी काफी प्योर था एंड कितना साफ लग रहा है गाइस। गाइस काफी ज्यादा स्लोपी जगह थी एंड मैं यहां से स्लोप करके जाऊंगा। तो चलो चलें चश्मा बैराज की तरफ, बस थोड़ा सा दूर है हमारी डेस्टिनेशन। शेल मिल गए यहाँ पे, पूरे बीच हमें सारे शेल उठा लिए हमने, सारे देखो जितने बीच शेल थे हमने सारे उठा लिए। अमन ने भी उठाए, फातिमा ने भी उठाए। देखो ये स्नेल लग रहा है, देखो ये स्नेल का अंदर नहीं है कुछ, बस आओ और भी ढूंढते लड़को आज यहाँ पे बहुत बड़ा। गाइज दिस वाटर इज सो सॉल्टी। और गाइज यहाँ पे काफी ज्यादा सी शेल्स थे और हमने काफी ज्यादा कलेक्ट किए।
गाइज ये पानी इतना ज़्यादा क्लियर था कि दिल कर रहा है यहाँ पे डाइव करूँ, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है, बट ये मुझे डर भी था कि इतना गहरा पानी है और मेरे पास कपड़े भी नहीं थे कि चेंज कर सकूँ, तो इसलिए गाइज मैंने ना ही मैंने पानी अंदर गया हूँ, बस आपको बाहर से मैंने आपका व्यू दिखाया है। और सी शेल्स काफ़ी ज़्यादा थे, पता नहीं इस वाले रिवर में क्यों इतने ज़्यादा सी शेल्स थे। गाइज मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढे हैं, आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे बोट्स भी चलती हैं, अगर आपको बोटिंग भी करनी है तो यहाँ पे बोट्स भी चलती हैं। एंड ये मतलब गाइस पूरा सी साइड की तरह था, जैसे यहाँ सामने सी है एंड यहाँ पे मतलब मिट्टी मिट्टी है, वैसे था गाइस बिल्कुल। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड बोट है और ये स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। गाइस ये देख सकते हैं पीछे पूरा जंगल टाइप है एंड यहाँ पे स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। और गाइस ये आप गैस करें ये कितनी पुरानी बोट होगी, गाइस आप गैस करें कमेंट में। गाइस बर्ड फ्लॉक जा रहा है एरो बना के। गाइस हमने फिश भी कैप्चर की है, कितनी प्यारी लग रही है ट्रांसपेरेंट, जब सनलाइट लग रही है तब और ज़्यादा अच्छी लग रही है।
गाइस ट्रिप पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़ बाय बाय।